knock. Who there? Knock, knock. Who there? And करने वाली हूँ जो कि बहुत ही कूल है, बहुत ही एजी है, बहुत ही बोल्ड है और बहुत ही ज्यादा अलग है. और इस शो का नाम है रिजेक्ट्स 2, जो कि है रिजेक्ट्स का दूसरा सीजन और आप इसे देख सकते हैं Z5 पर. मुझे पता है कि क्वारंटीन के समय स्पेशली हम ऐसी चीजें देखना चाहते हैं जो कि इंटरेस्टिंग हो, इंगेजिंग हो, जिससे हम रिलेट कर सकें. और मेरे लिए तो ये शो था रिजेक्ट्स, क्योंकि इसे देखकर मुझे बिल्कुल अपने कॉलेज के दिनों की याद आ गई, स्पेशली कियारा की वजह से. क्योंकि कियारा है तो एक मोटी लड़की, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ड्रिवन है और बहुत ही एम्बिशियस है. और जिन चीजों को वो मानती है और जो चीजें वो करना चाहती है वो कर दिखाती है. और इन सारी क्वालिटीज से मैं रिलेट कर सकती हूँ या करना चाहती तो हूँ. इसलिए मुझे ये शो देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आया और उम्मीद है कि आप लोगों को भी आएगा. हेलो एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों से एक ऐसे शो के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ही कूल है, बहुत ही एजी है, बहुत ही बोल्ड है और बहुत ही ज्यादा अलग है. और इस शो का नाम है रिजेक्ट्स 2, जो कि है रिजेक्ट्स का दूसरा सीजन और आप इसे देख सकते हैं Z5 पर. मुझे पता है कि क्वारंटीन के समय स्पेशली हम ऐसी चीजें देखना चाहते हैं जो कि इंटरेस्टिंग हो, इंगेजिंग हो, जिससे हम रिलेट कर सकें. और मेरे लिए तो ये शो था रिजेक्ट्स, क्योंकि इसे देखकर मुझे बिल्कुल अपने कॉलेज के दिनों की याद आ गई, स्पेशली कियारा की वजह से. क्योंकि कियारा है तो एक मोटी लड़की, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ड्रिवन है और बहुत ही एम्बिशियस है. और जिन चीजों को वो मानती है और जो चीजें वो करना चाहती है वो कर दिखाती है. और इन सारी क्वालिटीज से मैं रिलेट कर सकती हूँ या करना चाहती तो हूँ. इसलिए मुझे ये शो देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आया और उम्मीद है कि आप लोगों को भी आएगा. हेलो एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों से एक ऐसे शो के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ही कूल है, बहुत ही एजी है, बहुत ही बोल्ड है और बहुत ही ज्यादा अलग है. और इस शो का नाम है रिजेक्ट्स 2, जो कि है रिजेक्ट्स का दूसरा सीजन और आप इसे देख सकते हैं Z5 पर. मुझे पता है कि क्वारंटीन के समय स्पेशली हम ऐसी चीजें देखना चाहते हैं जो कि इंटरेस्टिंग हो, इंगेजिंग हो, जिससे हम रिलेट कर सकें. और मेरे लिए तो ये शो था रिजेक्ट्स, क्योंकि इसे देखकर मुझे बिल्कुल अपने कॉलेज के दिनों की याद आ गई, स्पेशली कियारा की वजह से. क्योंकि कियारा है तो एक मोटी लड़की, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ड्रिवन है और बहुत ही एम्बिशियस है. और जिन चीजों को वो मानती है और जो चीजें वो करना चाहती है वो कर दिखाती है. और इन सारी क्वालिटीज से मैं रिलेट कर सकती हूँ या करना चाहती तो हूँ. इसलिए मुझे ये शो देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आया और उम्मीद है कि आप लोगों को भी आएगा. हेलो एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों से एक ऐसे शो के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ही कूल है, बहुत ही एजी है, बहुत ही बोल्ड है और बहुत ही ज्यादा अलग है. और इस शो का नाम है रिजेक्ट्स 2, जो कि है रिजेक्ट्स का दूसरा सीजन और आप इसे देख सकते हैं Z5 पर. मुझे पता है कि क्वारंटीन के समय स्पेशली हम ऐसी चीजें देखना चाहते हैं जो कि इंटरेस्टिंग हो, इंगेजिंग हो, जिससे हम रिलेट कर सकें. और मेरे लिए तो ये शो था रिजेक्ट्स, क्योंकि इसे देखकर मुझे बिल्कुल अपने कॉलेज के दिनों की याद आ गई, स्पेशली कियारा की वजह से. क्योंकि कियारा है तो एक मोटी लड़की,
लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ड्रिवन है और बहुत ही एम्बिशियस है और जिन चीजों को वो मानती है और जो चीजें वो करना चाहती है वो कर दिखाती है और इन सारी क्वालिटीज से मैं रिलेट कर सकती हूँ या करना चाहती तो हूँ। इसलिए मुझे ये शो देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आया और उम्मीद है कि आप लोगों को भी आएगा।